शिक्षक संघ के चुनाव हो सकते हैं, कर्मचारी संघ के चुनाव हो सकते हैं, पर छात्र संघ के चुनाव नहीं हो सकते। पर छात्रों को दबाने की मानसिकता विश्वविद्यालय की और प्रशासन की साफ नजर आती है। विद्यालय प्रशासन ने गेट बंद करने का काम किया। अरे विश्वविद्यालय किसी के बाप का नहीं है। छात्र संघ चुनाव राजनीति की प्राथमिकता है, छात्र संघ चुनाव वर्तमान स्थिति की जरूरत है और हम इस लड़ाई को प्रदेश भर में लड़ते रहेंगे। छात्रों को दबाने के लिए छात्र संघ चुनाव बंद किए गए हैं। हर पद पर एक छोटे से छोटी नियुक्ति भी आरएसएस के कार्यालय से होने का काम किया जा रहा है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में वर्ष 2017 के बाद छात्र संघ चुनाव नहीं कराए गए, जिसको लेकर लगातार छात्र संगठन विरोध प्रदर्शन करते रहे। NUCI ने 25 तारीख यानी कि आज तक जो है विश्वविद्यालय को अल्टीमेटम दिया था, जिसके बाद आज जो है NUCI ने महा आंदोलन करते हुए विश्वविद्यालय पर लटके हुए ताले को तोड़ते हुए अंदर प्रवेश किया। NUCI ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय ने अंदर नहीं आने दिया, जिसके चलते हमको उग्र होकर जो है अंदर जाना पड़ा। हमारी मांग छात्र संघ चुनाव की है, छात्र संघ चुनाव कराए जाए। इस आंदोलन में NUCI के प्रदेश अध्यक्ष रोहित राणा भी शामिल हुए। तुम जैसे लाखों छात्रों का भविष्य एक प्राइवेट व्यक्ति यहां से लेकर भाग गया। शिक्षक संघ के चुनाव हो सकते हैं, कर्मचारी संघ के चुनाव हो सकते हैं, पर छात्र संघ के चुनाव नहीं हो सकते। युवाओं का प्रतिनिधि अगर छात्रों का प्रतिनिधि के बीच होगा तो बढ़ती हुई फीस का विरोध छात्र आसानी से कर पाएंगे। पर छात्रों को दबाने की मानसिकता विश्वविद्यालय की और प्रशासन की साफ नजर आती है। अभी आपने देखा कि अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से छात्र अपनी बातों को रखने के लिए आ रहे थे, विश्वविद्यालय प्रशासन ने गेट बंद करने का काम किया। अरे विश्वविद्यालय किसी के बाप का नहीं है, ये विश्वविद्यालय छात्रों का था, छात्रों का है और छात्रों का रहेगा। छात्र संघ चुनाव राजनीति की प्राथमिकता है और इस प्राथमिकता से निकलने वाले पूर्व के नेताओं को आपने देखा होगा कि वो सदन में गए और देश के विकास में बड़ी भूमिका निभाई, भागीदारी निभाई। छात्र संघ चुनाव वर्तमान स्थिति की जरूरत है और हम इस लड़ाई को प्रदेश भर में लड़ते रहेंगे और संघर्ष करते रहेंगे। हम प्रदेश स्तर पर छात्र संघ चुनाव की मांग कर रहे हैं और लगातार सभी विश्वविद्यालयों में प्रदर्शन करके, आंदोलन करके, सड़कों पर उतरकर और ज्ञापन देकर छात्र संघ चुनाव की मांग कर रहे हैं। और अगर जल्द छात्र संघ चुनाव की तारीख देने का काम विश्वविद्यालय प्रशासन ने नहीं किया तो हम विधानसभा घेराव करने का भी काम करेंगे, पर हम छात्र संघ चुनाव लेकर रहे। अभी हमारे साथी ने बताया कि पोक्टर साहब जो है, चीफ पोक्टर साहब जो है NUCI के पोस्टर फाड़ देते हैं। मैं चीफ पोक्टर साहब को एक बात बता दूं कि आप NUCI के पोस्टर तो फाड़ सकते हो, पर जो छात्रों के दिलों पर संघर्ष से जो NUCI का नाम लिखा है ना, उसे मिटा नहीं सकते। और छात्रों को दबाने के लिए छात्र संघ चुनाव बंद किए गए हैं, जिससे वो अपने अधिकारों की आवाज ना उठा सके। जी, जब से BJP की सरकार आई है आपने देखा होगा कि सभी शिक्षक संस्थानों का RSS की मानसिकता को थोपने का काम किया गया है, भगवाकरण करने का काम किया गया है। हर पद पर एक छोटे से छोटी नियुक्ति भी RSS के कार्यालय से होने का काम किया जा रहा है। अगर मैं ये कहूं कि नागपुर RSS के कार्यालय से विश्वविद्यालय को चलाया जा रहा है तो वो कोई गलत नहीं। द्वारा आंदोलन किया गया, हमने ये व्यवस्था की थी कि ये अंदर ना आए और इसके लिए हमने पूरी प्रशासन को पत्र लिखा था और पूरी प्रशासन की ओर से उचित सहयोग नहीं प्राप्त हुआ इस बार। और छात्रों को रोकने का प्रयास हुआ पर वो रुके नहीं, उन्होंने ताला तोड़ा, तो इसके खिलाफ हम शासन कार्रवाई जो भी होगी वो होगी।